फ्रूट्स है। हम सोचते हैं रेगिस्तान में कुछ खाने के लिए ज़्यादा नहीं मिलेगा, कहाँ उगेगा, क्या होगा, पर यहाँ आके देखो तो हर जगह, हर छोटी छोटी जगह पे इतने तरह का खाना मिल रहा है। सर फली, गुवार, बोजिया, मूंगफली, गेहूं, धान, चना, काकड़ी, मती तो कातर आई है, मार तो मत दूध है कोई। ये काचर है, ये पहले खेतों से इकट्ठे कर लिए, इकट्ठा करने के बाद में इसको छीलते हैं, छीलने के बाद में इसको सुखाते हैं। हाँ। जब ये सूख जाते हैं, सूखे पड़े हैं, फिर मार्केट में बेचते हैं। काट के सुखाते नहीं, वैसे ही छील के। देसी सब्जी कैरिया, सौंगरी और कुमटिया। कुमटिया रहे हैं, कातर वगैरह है तो हमारे चार महीना में जो है, बाद में बड़े कौन है, चार महीना में इकट्ठा कर राख लो मैं काकुर, वह पूरे साल सब्जी काम आती है। कैर का पेड़ है, अभी आगे मई और जून में इनके जो है काफ़ी लगेंगे, वो उस समय इनका सीजन होगा। और इनका अचार है, बहुत अच्छा बनता है, स्वादिष्ट। जो पॉपुलर हैं और कॉमन हैं वो तो एक तो आपके कैर है, एक आपके सांगरी है, एक आपके कुंबट है, एक ये गवार फली है, ये पिल्लू है, ये कॉमन है। लीली सब्जी है, आटो है, खरीदो आटा, लीली सब्जी, हरी मिर्ची है, टमाटर सब खरीदता। अच्छा, धाना, जीरा सब खरीदो। तो ये खाना क्यों खाते हो, पौष्टिक है या सस्ता पड़ता है? या सस्ता पड़ता है। It's not a substantial kind of support these food items provide to the local people. It is only a kind of remnants of the what used to be the palatable food, say some 100 years ago. अब तो इतना ज़्यादा food आ गया है, जब से आलू प्याज आया है तब से इन चीज़ों की कोई वक़्त नहीं रही है। कितने की बेचते हैं? 800 रुपए किलो बेचते हैं। और खरीदी कितने की थी? मैंने 700 रुपए किलो खरीदी थी। अच्छा, और कितनी यहाँ कितनी बिक्री हो जाती है? जैसे ये तो छोटी जगह है, तो आपकी कितनी बिक्री हो जाती है छोटी दुकान में भी? करीब सीजन पे 5-7 किलो निकल जाती है।
دی ریزنس یہ بھی ہے لوگوں کا ان سے موہ بھنگ ہونے کا کہ جو پروڈکشن آج سے 50 سال پہلے ایک ہیکٹر کے اندر مان لیجیے 1 کوئنٹل ہوتا تھا آج 10 کلو بھی نہیں ہو رہا ہے. ایک تو ہیبیٹیٹ ڈسٹرو ہو گیا اور ان کا سیڈنگ نہیں ہوا, جرمینیشن نہیں ہوا اور پروپوگیشن نہیں ہوا, زمین کم ہو گئی, جو زمینیں تھیں وہ کلٹیویشن کے نیچے آ گئی, تو وائڈ رینج لینڈ نہیں رہے.